हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलजेब्रा पढ़ाने वाला हूं और यह इस सीरीज का पार्ट 3 है। इस सीरीज का जो यह है पार्ट 3 लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए। और जो ये पार्ट 3 होगा मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा दोस्तों पूरा। और जो इस सीरीज का जो इस ये हमारी एलजेब्रा की जो सीरीज चली हुई है उसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 को आप जरूर देख ले, तभी आपके पार्ट 3 समझ में आएगा। इस वीडियो में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि बार बार अनेकों बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 10-10 बार पूछे गए हैं दोस्तों एग्जाम में। दोस्तों अक्सर इन क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन में आकर ट्रिक लगाने के चक्कर में गलत कर देते हैं, तो दोस्तों ये मैं आपको ट्रिक से पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है सभी मैथ्स और रीजनिंग की ट्रिक्स की वीडियो के लिए, क्योंकि जो हमारा चैनल है ड्रीमर्स, वो ट्रिक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। रीजनिंग की ट्रिक या हो चाहे मैथ की ट्रिक हो, सारी ट्रिक आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन 1 आया है, x^4 + 1/x^4 = 64 है, तो x^6 + 1/x^4 क्या होगी, क्या होगी ये बताना है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपको ध्यान से देखनी है। क्या चीज देखनी है कि दोस्तों ट्रिक ये है, हम इसमें क्या जोड़े या क्या घटाएं, क्या जोड़े या क्या घटाएं। तो इसमें हम क्या जोड़े क्या घटाएं जिससे कि ये पूर्ण वर्गमूल बन जाए। पूर्ण वर्गमूल होता है हमारा, पूर्ण वर्गमूल होता है उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इसको पूर्ण वर्गमूल बोलते हैं। तो दोस्तों हम इसमें क्या जोड़े क्या घटाएं जिससे कि यह पूर्ण वर्गमूल बन जाए। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 जोड़ के देखेंगे दोस्तों, 2 जोड़ेंगे, ये ट्रिक है दोस्तों। तो 2 जोड़ने के बाद में यहां क्या बन जाएगा, 64। 64 बनने के बाद में हम क्या करेंगे, जब अगर इधर हमने जोड़ा है तो इधर प्लस ही रखेंगे, अगर हमने इधर जोड़ा है तो प्लस रखेंगे, अगर इधर हम घटाते कुछ, अगर हम घटाते तो हम यहां पे भी माइनस का साइन लेके आते। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, अगर इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे, अगर इधर घटाएंगे तो इधर भी माइनस का साइन आएगा। तो हमें क्या करना है ट्रिक में, यहां पर क्या जोड़े क्या घटाए जिससे कि पूर्ण वर्गमूल बन जाए, इधर प्लस के साथ में जो ये पावर है ये आधी हो जाएगी। ट्रिक में पावर आधी हो जाएगी, पावर आधी हो जाएगी, यानी कि अगर x^4 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x^2 ये बन जाएगी, तो ये आधी हो जाएगी। और 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल होगा 8। 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8। जैसे 49 का 7 होगा, 36 का 6 होगा, 25 का 5 होगा और 64 का 8 होगा। तो 64 का क्या होगा, 8 होगा, इसको डायरेक्ट यहां पे रख देंगे। तो दोस्तों एक बार आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसमें हमें करना क्या है, ये हमारे पास बन गया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें ये चीज लेके आनी है x^6 + 1/x^6। अगर हमें ये लेके आनी है हम तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर का हम क्यूब करेंगे। तो क्यूब करने के लिए क्या आएगा, ये बन जाएगा। तो इसे ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्यूब कर दिया। क्यूब करने के बाद में मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में पार्ट 2 में एक चीज बताई थी, अगर हम क्यूब करेंगे तो उसके लिए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जो ये 8 है इस वैल्यू का क्यूब कर देंगे और इसी वैल्यू को 3 से गुणा करके
घटा देंगे। घटाएंगे क्यों? अगर इधर प्लस है तो घटाएंगे, अगर इधर माइनस होता तो इसको जोड़ते हम। तो यहाँ पे प्लस है, मैंने पिछली वीडियो में बताया, पिछली वीडियो आप जाकर देखिए, आपको ट्रिक पूरी समझ में आ जाएगी जो मैं बता रहा हूं आपको। आई होप आपके यहां पर यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ये चीज आपके समझ में आ रही होगी। तो आंसर क्या आएगा, 512 8 3 24, इसमें से घटा के क्या आएगा 488, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है एलजेब्रा का, पहले आप पार्ट वन पार्ट टू पूरा पढ़ लीजिए जाकर, तब आपके पार्ट थ्री समझ आएगा, तब आपके पार्ट थ्री समझ आएगा पूरा। तो बढ़ते हैं आगे, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा और आपकी ये पूरा क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। ये क्वेश्चन तभी दोस्तों समझ में आएगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी है हमारी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर टू। दोस्तों इसमें भी क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 31/9। तो x की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब की क्या वैल्यू होगी, ये आपको बताना है इसमें। तो दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्गमूल बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसमें क्या जोड़े जो ये पूर्ण वर्गमूल बन जाए, ये वाला हम इसमें दो जोड़ के देखते हैं। तो क्या होगा, अगर हम लघुत्तम लेंगे 9, 9 एकम 9, 31 एकम 31, प्लस 9 दूनी 18, तो ये क्या बन जाएगा 49/9 बन जाएगा। आपके समझ में आ गया होगा यहां तक। और दोस्तों अगर 49/9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 7/3। तो हम क्या करेंगे, प्लस का इधर प्लस लगाएंगे और पावर का आधा करेंगे, पावर का आधा करेंगे एक्स, यानी एक्स के स्क्वायर की पावर आधी करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। वन अपॉन एक्स इक्वल टू, अगर प्लस है तो प्लस हमने जोड़ा है ना, तो जोड़ने के लिए ये प्लस लगाएंगे। अगर हम यहां पे घटाते तो यहां पे भी हम माइनस का साइन लगाते, यहां पर, यहां पे भी, इधर भी। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल क्या होगा, 7/3। अगर वर्गमूल 7/3 हो गया तो दोस्तों हमें निकालनी है क्या, क्यूब निकालनी है। क्यूब के लिए मैंने पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था, ट्रिक क्या थी उसके लिए, इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, अगर इधर प्लस है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का क्यूब करके, इसी का क्यूब करके 3 से गुणा करेंगे और घटा देंगे, क्योंकि इधर प्लस हुआ है तो इधर हम माइनस करेंगे, अगर इधर माइनस होता तो हम यहां पे प्लस करते। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, पिछली वीडियो जाकर देखिए दोस्तों। पहले 7/3 कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना एक तरह से, अंदर क्या बचा 7/3 का स्क्वायर 3 आ गया, कोई दिक्कत, 7/3 जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, अंदर 49/9 - 3, आगे करेंगे 7/3 तो ये क्या आएगा दोस्तों, एक तरह से आएगा 22/9। और जो इसका फाइनल आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा दोस्तों 154, क्योंकि जब आप गुणा करोगे यहां पे इनकी गुणा करोगे तो क्या आएगा 154/27, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। दोस्तों अगर आप पार्ट वन पार्ट टू पूरा देखोगे तब आपके पार्ट थ्री समझ में आएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है बार बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तभी आपके समझ आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थ्री, दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री भी बार बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको कैसे करेंगे, इसको करने का सबसे आसान तरीका यह है, आप इसको देखकर डर गए होंगे कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों अभी पूरा बेसिक से चल रहा है, जो मैंने बेसिक पढ़ाया है पार्ट वन पार्ट टू में,
आप जाकर उसे देखिए पूरा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों, जो ये x माइनस थ्री है इसको हम जेड मान लेंगे। जेड मानने के बाद में क्या होगा, जेड प्लस में वन अपॉन जेड की वैल्यू चार, इधर हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या लाना है, जेड की क्यूब प्लस वन अपॉन जेड की क्यूब, ये लाना है। ये लाना बड़ा आसान है, ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। अगर इधर प्लस है और जेड की क्यूब लाना है तो क्या करेंगे हम, जेड की ये क्यूब लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसका क्यूब कर देंगे। अगर इधर प्लस है, प्लस है इधर, तो हमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद में तीन से गुणा कर देंगे उसी वैल्यू में, तो क्या आएगा दोस्तों, यह आएगा आपका चार का क्यूब 64 माइनस 12, तो क्या आएगा 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपका समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आप ट्रिक से करोगे तो आप दोस्तों कभी भी गलत नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे बिना बिना ऑप्शन चेक करे, आपको सीधा आंसर मिलेगा जाके। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, दोस्तों पार्ट वन पार्ट टू जरूर देखें आप जाके। पार्ट वन पार्ट टू देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बेहद आसान क्वेश्चन दोस्तों, देखने से आपको लग रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन है। 2a माइनस 2 बाय ए इक्वल टू माइनस 4, इसमें क्या निकालना है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों। एक तरह से इसमें क्या करना है, इसको जीरो लाना है और कुछ नहीं, एक तरह से इसको जीरो लाना है। तो इसको जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे मान लो कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, इसको यहां से काट लो, ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, a बचेगा अंदर, इधर क्या बचेगा 1/a, और इधर क्या होगा माइनस के 4। कोई दिक्कत यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, तो क्या करेंगे, इस 2 से 2 से काटेंगे, 2 × 4, तो a माइनस a बटे a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। आई होप आपके ये समझ में आ रहा होगा। इसमें निकालना क्या है हमें, पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है a क्यूब माइनस 1/a³, अगर इधर माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, इस वैल्यू का क्यूब करेंगे पहले, तो माइनस 2 का क्यूब, अगर यहां माइनस है तो अंदर प्लस आएगा, और इसी वैल्यू को गुणा कर देंगे कितने से, 3 से गुणा कर देंगे। यही ट्रिक मैं बताता आ रहा हूं, और पार्ट वन पार्ट टू में भी ये ट्रिक मैंने बताई है, आप नोट करते हुए जरूर चलेंगे। तो क्या आएगा, माइनस के 8 प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 × 6, तो क्या आएगा, एक तरह से माइनस 8 माइनस 6 माइनस के 14 आ जाएगा। जब आप यहां पे इसकी जगह इसको पुट करेंगे, माइनस 14 प्लस 14, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, कट के 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपके समझ में भी आ गया हो दोस्तों। पूरे ट्रिक से बता रहा हूं मैं, पार्ट वन पार्ट टू जरूर देखे जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा चैनल ट्रिक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, सारे ट्रिक को नोट करते हुए जरूर चलेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो हमारी छूटे नहीं। बढ़ते हैं आगे, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, आपको देखने से पता चल रहा होगा। हमें कोई सी ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसे संतुष्ट कर सके। इसमें पूछा क्या गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी। अगर हम x की वैल्यू पुट करें 1 यहां पुट करें 1 प्लस 1/1² तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है। तो इसे जो संतुष्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक संतुष्ट कर रहा है इस जो हमारी जो ये इक्वेशन दी हुई है, इसी x की वैल्यू 1 इसे संतुष्ट कर रही है। तो x की जगह हम 6 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 6
तो वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर वन होगा। यह बहुत आसान क्वेश्चन था, यह सीपीओ में पूछा गया था, बताओ कितना आसान क्वेश्चन, जो तुम्हारा दरोगाई का दिल्ली एसआई का एग्जाम होता है सीपीओ का, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। बताओ इतने आसान क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप ट्रिक ट्रिक से ही, आजकल कोई भी एग्जाम आपको क्लियर करना हो ट्रिक से ही होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम देखो तो दोस्तों क्या करेंगे, ये क्वेश्चन भी सीपीओ का क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन भी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करना है, अगर हमें ये लाना है तो हम क्या करेंगे, ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स की क्यूब निकालेंगे। इससे हम क्यूब निकाल सकते, कैसे, एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब। तो क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, अगर इधर प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, पांच का क्यूब कर लेंगे पहले और इसी वैल्यू को गुणा कर देंगे तीन से। तीन से गुणा करने के बाद में क्या होगा, 125 माइनस 15, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 110। अभी दोस्तों क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने ये निकाला है, हमें ये लाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर ये तीन है तो इधर दो करना पड़ेगा, तभी तो एक्स की पावर छह बनेगा। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चीज बताई थी, अगर हमें किसी वैल्यू का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे हम, अगर हमें ये लाना है सीधा क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने यहां पे स्क्वायर किया, स्क्वायर में करने में क्या क्या करना होता है दोस्तों। हम अगर मान के चलो, मैं आपके लिए कोई भी एक एग्जाम्पल लेके देखता हूं, अगर आपको ये दिया गया है, टू दिया गया है, अगर हमें ये वाला लाना है तो क्या करेंगे हम, अगर ये प्लस है तो हम क्या करेंगे, दो का स्क्वायर माइनस दो, तो क्या आएगा राइट आंसर, दो। समझ में आया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने यहां पे स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने में पता क्या होता है, 110 का स्क्वायर, और यहां पर हमें क्या करना है, प्लस है तो यहां पे माइनस दो कर देंगे। अब क्या करेंगे, 121 का स्क्वायर, नहीं 110 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 12,100 माइनस दो, तो क्या आ जाएगा राइट आंसर, 12,098 इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको यह याद रखना है, अगर क्यूब निकाल रहे हैं तो क्यूब के लिए यह फॉर्मूला है, अगर स्क्वायर कर रहे हैं स्क्वायर के लिए यह वाला ट्रिक है। मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको पहले वहां पे जाना पड़ेगा, पार्ट वन पार्ट टू पूरा पूरा देखिए आप पहले, तब आपकी ये चीजें पूरे अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या करेंगे, क्या पूछा है, एक्स प्लस वन अपॉन 9x = 4 है, तो कह रहा है ये वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी। बेहद आसान क्वेश्चन दोस्तों, आपको एक चीज पता चल रही होगी, अगर हमें ये वाली चीज लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये अगर इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें इसकी जरूरत पड़ने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड इधर भी तीन से गुणा कर देंगे, इधर भी तीन से गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, इधर क्या बन जाएगा, 3x प्लस, अंदर जब तीन जाएगा तो क्या बचेगा, 1/3x। कैसे बचेगा, अगर मैं तीन के गुणा में 1/9x लिखूं, तीन से तीन कटा, क्या बचा, 1/3x, तो यही मैंने किया है यहां पे, तो क्या आएगा इधर, 12 आ जाएगा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक तरह से क्या है, ये चीज हमें दी गई है किसकी तरह से, जैसे ये था हमारे पास, ये हमें निकालना क्या होता है, ये वाला निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं,
जो वैल्यू दी होती है, मान के चलो यहाँ पे 2 दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर, अगर ये प्लस है तो -2 कर देते हैं। ऐसे ही हमें ये वाली चीज हमें दी गई है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है। और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, तो हम इसको क्या ऐसे लिख लेंगे, हम लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, कोई दिक्कत है, ये चीज हमें निकालनी है, ये बिल्कुल एक जैसी चीज है दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें ये निकालनी है, हमें दिया क्या गया है, ये वाली चीज हमें ये दी गई है, हम तो क्या करेंगे 12 का तो वर्क करेंगे, और यहां पे प्लस है बीच में, तो क्या करेंगे -2 कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है ये वाला, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो 12 का वर्ग क्या होगा 144 -2, तो क्या आ जाएगा 142, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, तब आपकी ये ट्रिक समझ में आएगी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। आई होप आपके ये सब कुछ दिमाग में छप रहा होगा। तो मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे, बढ़ते आगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, बेहद आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है 1, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों हमें इसमें कुछ ना कुछ काट छाट करनी पड़ेगी, इसमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करते हैं, x² 1 को एक जगह लिख लेते हैं, और इस 3x को इधर लिख लेते हैं। नीचे क्या आएगा, x² + 1 7x। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम x कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, x कॉमन लेंगे, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x 1/x +3x। नीचे क्या बचेगा, x कॉमन लेंगे x+1/x, इधर क्या बचेगा 7x। तो दोस्तों इधर क्या आएगा, हमें इसकी वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है हमें इसकी वैल्यू, तो दोस्तों हमें इसकी वैल्यू दी गई है x 1 दी गई है, x की गुणा 1 से करेंगे और क्या होगा 3x। नीचे क्या आएगा, x की गुणा में 1 + 7x, तो ऊपर क्या बन जाएगा 3 × x + 3x, नीचे क्या आएगा x + 7x। अब मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूं, ऊपर क्या आएगा 4x, नीचे क्या आएगा 8x, और x से x कट जाएगा, सॉरी 4/8 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1/2, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपकी ये चीजें समझ में आई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, आई होप आपने कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात पता क्या है, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको a+b² a-b² a+b³ a-b³ इस पर जो भी क्वेश्चन सवाल बने हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। दोस्तों अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं सभी टाइप के बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, सभी टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे उन पे चर्चा करेंगे, और दोस्तों बिल्कुल मजा आने वाला है। अगर आपको पढ़ के मजा आया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर आपको सारी ट्रिक की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।